SHO सतुकतला थाना है और ही इज़ द पर्सन जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इस गैंग को बस्ट किया। ये वो गैंग है, एक बार फिर से बताता चलूँ, जो बाकायदा प्राडो पर कॉल सेंटर्स को लूटा करते थे, जाली पुलिस एहलकार बन के, जाली FIA मुलाजमीन बन के, और बिल्कुल जिस तरीके से एक रियासती इदारा काम करता है उस तरीके से ये अंदर घुसा करते थे और उसके बाद वहाँ पर लूट मार के मामलात करके निकल जाया करते थे। जुल्कर नैना नासब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, रहनुमाई फरमाइएगा कि ये गैंग जो आपने बस्ट किया है इसका काम करने का तरीका क्या था, आपके सामने कैसे आया? बिस्मिल्लाह, इसमें हुआ इस तरह है कि हमारे पास PIA रोड पर एक कॉल सेंटर था, वो उस कॉल सेंटर को तीन लोग चला रहे थे, ठीक है, तीनों दोस्त भी थे और पार्टनर भी थे। ये पिछले महीने की बात है, रात के तकरीबन 2-3 बजे, उनका कहना यह है कि हम कॉल सेंटर में मौजूद थे कि अचानक बाहर सर्फ डाला ब्लैक कलर का वो आया है, साथ में 2 गाड़ियाँ और भी थी, ठीक है, 2-3 लोग पुलिस यूनिफॉर्म में थे और कुछ लोग सिविल में थे, एक बंदा उनको लीड कर रहा था, उसने भी पुलिस यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, नाम उसका वकास है जो उसको लीड कर रहा था। ये अचानक ऊपर आए हैं कॉल सेंटर में और आते ही सबको गन पॉइंट पे यकमाल बना लिया है और उनका सिस्टम चेक करना शुरू कर दिए और बाहर यही वहाँ पे शो करवाया है कि हम FIA से हैं, आपका सिस्टम चेक कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस किस तरह चला रहे हैं और आप गलत चला रहे हैं, आप ब्लैक का पैसा इधर उधर कर रहे हैं, इस तरह की उनको कहानी सुनाई है। वो कुछ डर गए और जो वहाँ पर उनके जो लैपटॉप थे, उनके जो DVR थे, उनके जो भी इक्विपमेंट थी सारी वो उठाई है, वो गाड़ी में रखी है और उनके 3 लड़कों को भी साथ में बिठाया है और अगवा करके उसको ले गए। उसके बाद वो रात 2 बजे का ये अगवा है, 3:30 बजे तक 1.5 घंटा वो शहर की सड़कों पर उसको लेकर घूमते रहे हैं तीनों लड़कों को, करते करते वो उनको गुलशन आबी वाली साइड पे ले गए हैं और वहाँ पर जाकर उनको फिर यही कहा है कि हम आपको तब छोड़ेंगे जब आप जो है ना 10 लाख रुपया जो है कुछ रकम वो वहाँ से ले आए, मजीद इक्विपमेंट पहले ले लिया, मोबाइल भी ले लिए और वहाँ पे जो और 10 लाख मजीद का मुताबिक जी जो कैश वहाँ पे था वो भी गन पॉइंट पे ले लिया और 10 लाख मजीद मांगा कि हम फिर ही आपको छोड़ेंगे, नहीं तो हम आपके ऊपर केस भी डालेंगे और ये सारा मामला भी खराब हो जाएगा, ठीक है। फिर उसमें उन लोगों को अब यही पता है कि ये पुलिस और FIA है जी, बिल्कुल, वो बड़े शाम से डरे हुए थे। इन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कहा जी ठीक है हम आपको 10 लाख रुपया दे देते हैं, इन्होंने कॉल करवाई पीछे उन्हीं की एक नंबर से पीछे ऑफिस में कॉल करवाई है, उनको कहा है कि 10 लाख का अरेंज करें फौरी। ऑफिस में उनके पास इतना कैश जो था वो तो वो ले आए, कुछ दोस्तों के पास कैश था, उन्होंने सब कैश का अरेंज करवाया 1 घंटे में सुबह 4:30 बज के इसी मामले में। और फिर उन्हीं में से एक लड़का गया है वो मुल्तान रोड पर कैश लेकर गया है और वो कैश उनके हैंड ओवर हुआ, देन उन्होंने उसको तीनों को छोड़ दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद तब तक हमें कोई कंप्लेंट नहीं आई, अभी तक पुलिस को कुछ नहीं, हमें कोई कंप्लेंट नहीं आई, क्योंकि इन जो 3 पार्टनर थे इनमें कॉल सेंटर में कॉल सेंटर के जो दोस्त थे तीनों थे, इनमें से एक लड़का जो है ना वो गांव का रहने वाला था इधर जनूबी पंजाब का, उसकी वाला बीमार थी, वो चला गया, वो वापस आया तो उसने आकर कहा कि जी, उन्होंने बताया कि ये ऐसे मामला हो गया, उसने कहा जी मैंने तो पैसे इन्वेस्ट किए थे आपके साथ, टेक्निकल चीज़ें आप जानते हैं, अगर ये गलत था ही तो मुझे आपने पैसे मेरे इन्वेस्ट क्यों करवाया। यानी वो जो इन्वेस्टर कॉल सेंटर में था जनूबी पंजाब से, उसको नहीं पता था कि कॉल सेंटर में ऑलरेडी को 2 नंबरी होती है, उसको नहीं पता इस मामला कभी करते क्या, उनको यही कहा था जी आप इन्वेस्ट करें पैसे आएंगे, तो वो दोस्त थे चुके मुझे भी पैसे, आपको भी पैसे मिलेंगे, तो उसने कहा जी अगर ऐसे हुआ पैसे मेरे गए हैं 10 लाख रुपये, उसमें जो है काफ़ी अमाउंट 70-80% उसकी थी, तो मैं तो पुलिस के पास जाऊँगा, ये ज्यादती हुई असली बात भी थी, ठीक है। फिर वो हमारे पास कंप्लेन लेकर आए एप्लीकेशन के जी ये मामला हुआ सारा, मैंने इधर मेरे पास ही आए, मैंने एप्लीकेशन पढ़ी तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये मामला या तो कोई 2 नंबरी हुई है या मतलब इस तरह खुलेआम, अगर आप, मैंने उनको यही पूछा है कि अगर इतना बड़ा मामला हो गया है, वीडियोस देखी हैं गन पॉइंट पे वाकई वो और एविडेंट है सब कुछ था, तो आप क्यों नहीं आए, आपने 1 फरवरी कॉल क्यों नहीं की, आप 4 घंटे उनके साथ ऐसे तरते रहे हैं, जगमाल आपको उन्होंने बना लिया है, आपने रैनसम अदा किया है, सारा सामान उठा के आप ले गए हैं, डाले आने की वीडियोज़ हैं, अंदर आने की वीडियोज़ हैं, यूनिफॉर्म में है वो, साफ लग रहा है वो मतलब पुलिस वाले नहीं हैं, तो आपको होना चाहिए था पुलिस के पास, आप क्यों नहीं आए। उनकी कंप्लेंट ही पहले डाउटफुल थी कि कोई मामला हो रहा है, हमने तो उसको एक दिन ऐसे ही लाइट लिया कि ये कुछ मामला हो रहा है, तो फिर उसने कहा जी नहीं वो अब हमसे मजीद पैसे मांग रहे हैं, अच्छा जी जी, वो कह रहे हैं कि 5 लाख और दें और अपना सामान लैपटॉप वापस ले लें आप, हम इसको मालखाने में जमा नहीं करवा रहे, आपका एविडेंस नहीं होगा कोई, यानी उनकी पहली रात की कार्रवाई जो है उनको डाइजेस्ट हो गई थी, वो हो गई, अब वो मजीद के चक्कर में, मजीद के चक्कर में लालच था उनको। तो फिर इधर बैठे हुए जब मैंने ये पता चला तो फिर मैंने कहा चले हम एक डिकॉय करते हैं,
जो आपको नंबर से कॉल आ रही है उसको हमने ऑन बोर्ड ले लिया, यहीं बैठे 3 घंटे हम इधर ही बैठे रहे फिर कि करना क्या है। फिर उसने कहा कि ठीक है जी आप पैसे का अरेंज करें तो हम पैसे आपको बताएंगे कहाँ और कैसे पहुँचाने और किस तरह पहुँचाने, ठीक है। वो उसके बाद ना हुआ ऐसे कि फिर यहीं पे बैठे हमने प्लान किया सारा कि पैसे अब इनको पहुँचाने हैं। ओके, 5 लाख पैकेट तैयार किया फर्जी, उसमें बुक्स वगैरह डाली हैं और उसको रैप किया अच्छी तरह ताकि बस नहीं बन जाए। और फिर हमने टीम तैयार की यहाँ पे। इस तरह के 2 ऑपरेशन मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी कर चुका था, ये डिबाई वाला कडनैपिंग वाला मेरा कुछ तजर्बा था इस पर, ठीक हो गया। उस पर फिर हमने 2 मोटरसाइकिल हायर किए प्राइवेट, एक ऑटो रिक्शा हायर किया, एक गाड़ी प्राइवेट हायर की और सरकारी गाड़ी पैकेट पे वो हमारे साथ होती है वो भी हायर की हमने। फिर यहीं से हम निकले, उनकी कॉल आ गई यहाँ पे, जी आप पैसे लेके ना तो बस्तामी रोड अल मुमताज़ सैनमा है, वो किसी वक्त में होता था वहाँ समनाबाद में, अब वहाँ पे आ जाए। गाड़ी उनकी थी, उसकी गाड़ी में हमने 2 बंदे अपने बिठा दिए, राशिद जी ऐसे ही मेरे पास लड़का है अच्छा एक्टिव है, उसको साथ बिठाया। मैं खुद मोटरसाइकिल पे सिविल में हो गया, एक और सिविल मोटरसाइकिल में किया और 2 लड़के हमने ऑटो रिक्शे पे कर लिए, ठीक है। हम यहाँ से निकले, मूव किया हमने, हमने एक फर्जी एक छोटा उन्हीं के बंदे को पैकेट दिया, उनमें से जो मदई जिससे वो पैसे मांग रहे थे वो साथ बैठा हुआ था, ठीक है, जिसके साथ वो रबते में थे व्हाट्सएप पे, वो रबते में थे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमने ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया छोटा सा आपस में, जो हम 9 लोग थे उस ऑपरेशन के लिए, जो बात होगी इसमें ही होगी और बाकी जो तैयारी करता है बंदा आपस में, कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह वो भी सारे ऑप्शन थे हमारे पास। हम यहाँ से निकले हैं बस आमी रोड पे पहुँच गए, वहाँ पे हमने इर्द गिर्द फैल गए हम, तो हमें तो हर बंदा मशकूक नज़र आ रहा था भी कोई हम कौन हमें देख रहा है और कौन पैसे लेने। ऑब्वियसली उन्होंने अपना कोई बी भी खड़ा किया होगा, सी भी खड़ा किया, तैयारी पूरी की जो FI और पुलिस के वर्दियाँ पहनकर इस तरह कर रहे हैं तो प्रॉपर उन्होंने बंदोबस्त तो किया होगा जाहिर है, लेकिन लालच इंसान को लालच होती है, अभी पैसे आ रहे हैं पहले भी आए अभी भी आ रहे हैं तो हो सकता है ये आराम से आ जाएँ, पहले भी आराम से आए। तो होता क्या है वहाँ पे जो लाइव सीन ये हुआ है कि वही हुआ जिसका मुझे शक था कि उन्होंने कहा जी ठीक है हम वहाँ पे अगर आ गए हैं तो आप नेक्स्ट मूव करें, हम आपको देख रहे हैं, आप यहाँ से पक्की टट्टी की तरफ आ जाएं। अच्छा जी, वो गाड़ी पक्की टट्टी की तरफ गई, वो उनको उसको मॉनिटर कर रहे हैं, किसके साथ कोई है जी, रस्ते में वो ये इंस्ट्रक्शन भी दे रहे थे आप इंडिकेटर ऑन कर दें, शीशा नीचे कर दें, राइट कर दें, जैसे कि वो। और मैंने पहले बताया था, पहले भी ऑलरेडी ये मामला एक दफ़ा हमारे साथ हो चुका था, मैंने ड्राइवर को ये कहा आपने वैसा नहीं करना और आप देखोगे कि आपको कोई भी नोट नहीं करेगा, ये सिर्फ एक महज प्लानिंग है उनकी कि हम अच्छा। आपको देख रहे हैं, ऐसा होता है बस ऐसे ही डबल आपको डरा रहे हैं जी कि शीशा नीचे करो इंडिकेटर चलाओ, मतलब वैसे वो देख रहे हैं, ठीक है। वहाँ से फिर वो निकले हैं, शूटर भी जल्दी आ जाओ बस आप, आपका सामान जो रिटर्न करना है ना सारा वो हमारे पास है, तो अब आप ना गुलशन रावी समनाबाद मोड़ पे आ जाओ। इसी दौरान मैं उसकी लोकेशन भी ले रहा था साथ साथ, और तो वाकई वो सही कह रहा था, मूव कर रहा था वो बंदा जो था जो उन्होंने भेजा था, और वो मेन बंदा नहीं था, वो उनका एक आगे एक समझ लीजिए सी पार्टी थी, ठीक है, ठीक है। तो जो सी पार्टी थी वो फिर क्या हो गया कि गुलशन रावी पे वो गाड़ी में बैठ गई आकर, अच्छा लड़का सा था वो, उसकी उम्र 17-18 साल थी, उनका कोई रिलेटिव था मेन बंदों का, उसको हमने बैठा लिया उधर, उसका मोबाइल ले लिया, उसको सारा बता दिया कि हम पुलिस वाले इस तरह। अब वो समझ गया बात, मैंने उसको बताया, मैंने कहा फिक्स हो गए सारे मामले में, अपनी जान छुड़वाओ, तो अब उनको कॉल करो कि पैसे मैंने गिन लिए पूरे, बताओ कहाँ पे आना है, मैं बैठ गया हूँ, कोई मामला इस तरह का मशकूक नहीं है। उसने ऊपर स्पीकर पे बात की, कहा कि जी बॉस जी पैसे मिल गए हैं तो पैसे पूरे हैं तो बताए कहाँ पे आना है, जब पैसे मिलने की बात आई तो फिर उनको भी ज़रा शदीद बताइए भी पैसे हमारे पास आ जाए, मसला आसान हो गया, तो आसान हो गया। उसने कहा ठीक है आप ना चुपुर जी आ जाओ, फिर उसने जो बुर्जी है वहाँ पे हमें 10 मिनट खड़ा किया, वहाँ पे वेट करते रहे, अच्छा आप ऐसे करो अब आप ना MU काले इशारे पे आ जाओ, वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे फिर वेट करते रहे, अचानक जब से इशारा खोलने लगा है नहीं आप लेफ्ट हो जाओ, वो अंदर इस्लामपुरा का जो रोड जा रहा है सादा की तरफ, ठीक है वहाँ पर आ जाओ, फिर हम वहाँ पर चले गए, करते करते वो हमें अंदर की तरफ काफ़ी आबादी भी ले गए। अब एक जगह पर जाकर उन्होंने कहा गाड़ी खड़ी कर दें, ठीक है हमें शक पड़ गया अब मामला कुछ होने वाला है, तो रिक्शा हमारा पीछे था उनके बिल्कुल पीछे लगा हुआ, उनके वहमो गुमान में नहीं था कि इसमें जो जवान हमारे लगे हुए, मैं बाइक पे था साथ, एक फार्मेसी थी मुझे याद है, वहाँ पे हमने वो पानी लेकर पानी पीना शुरू कर दिया, लड़के को मैंने कहा आप उधर ध्यान नहीं देना गाड़ी पे, आप सिर्फ अपनी बातें करो, नोट हो रहा है जो कुछ हो रहा है गाड़ी मेरे सामने है। ऐसे हुआ एक गाड़ी कल्टस गाड़ी जो नई शेप किया वो बिल्कुल इनकी गाड़ी करोला थी उसके पीछे लगी आकर, जब लगी है पीछे आकर तो मुझे कहा अब मामला क्लियर हो गया,
यही इसी में बंदे हैं। ठीक है, वेपन्स हमारे सब के पास थे। हमने जाते ही उस गाड़ी को राउंड कर लिया। वेरी जब राउंड आउट किया तो उसमें से चार बंदे निकले और दो के पास वेपन और गोलियां दोनों के चैम्बर में। They were wearing uniform at that time? Not, civil में थे। तो चार लोग हम और चार ही वो। रोड पे गिराया हमने उनको। और चैम्बर में दो की बुलेट थी, पिस्टल रिकवर किए, पकड़े बिल्कुल। ये अल्लाह ने करम किया है, मुझे सारा याद है वो सीन। ये लड़का राशिद, इसने बड़ी हिम्मत की, 5-6 सेकंड का भी आता तो शायद के वो चला देता, अल्लाह पर लाता। तो लेकिन ये है कि उसमें फिर ना, जब हमने गाड़ी डिग्गी चेक की, सामान पूरा पीछे उनके लैपटॉप्स और सारा। अच्छा, वो एक्चुअली वापस करने आए थे, पैसे लें, सामान वापस करें। ठीक है, फिर उसके बाद उनको, मुझे तलाश थी मेन बंदे की, वकास की। तो मैंने जब देखा तो वो ड्राइविंग सीट पे वही था और वेपन भी उसके पास। वकास आपको सीसीटीवी में ऑलरेडी देख चुके हुए थे? हाँ, वकास को सीसीटीवी में देख चुके थे और उन्होंने भी आइडेंटिफाई किया था कि ये इज द मेन कल्प्रिट और ये लीडर है उनका और यही लीड कर रहा है, यही सबको डिक्टेट कर रहा था, ऐसे और ऐसे करो, ये करो वो करो।